हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। सासू माँ दीदी के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? दीदी तो उनकी किसी बात का भी कभी जवाब नहीं देती, ना कभी ऊंची आवाज में बोलती हैं। और ये बीमारी क्या है सासू माँ को? मालिक के घर में देर है, अंधेर नहीं। ए इंसान, इस सच्चाई को जान ले। कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार मत कर, किसी की बुराई मत कर, किसी के बारे में बुरा मत सोच। छोड़ दे बुरे कर्म करना, वरना हश्र अच्छा नहीं होगा तुम्हारा। ओम साईनाथ, ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईनाथ, ओम साईनाथ, ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईनाथ, ओम साईनाथ, ओम साईनाथ। नानी। ओम साईनाथ। ए नानी। ओम साईनाथ। आ गए आप, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नानी। क्या हुआ? शिरडी से लौटने के बाद मैं सिर्फ मैना बेटी के बारे में ही सोचता रहता हूँ। लेकिन क्यों सोच रहे हैं? साईं बाबा ने निश्चिंत रहने को कहा है ना? नानी, हमें कुछ करने की प्रेरणा साईं बाबा से ही मिलती है ना? तो मुझे भी बताइए, साईं बाबा ने आपको कौन सी प्रेरणा दी है? नानी, मैं चाहता हूँ कि मैना ताई के ससुराल में पैसे भेज दें। हमें ये तो पता चल ही चुका है नानी कि मैना बेटी की सास लालची है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने नई दुल्हन को लाड़ लड़ाए और मेरी बेटी मैना को तकलीफें दे, उसे बात बात पर अपमानित करे। नानी, मैंने तो कुछ गलत नहीं सोचा ना? नहीं, मैं जानता हूं साईं बाबा का आशीर्वाद हमेशा मैना बेटी के साथ है। फिर भी उन्हें पैसे भेजकर हमें तसल्ली हो जाएगी कि हमने माता पिता का कर्तव्य निभाया है। मैं तुम्हारे गांव में आने ही वाला था तो नाना साहब बोले मैं तुम्हें 200 रुपए दे दूं। अच्छा, मैं चलता हूं। काका जी, खाना खाकर जाइए। नहीं बेटी, मुझे काम के सिलसिले में अगले गांव जाना है। अच्छा, नमस्ते। जीती रहो, जीती रहो। आपका आशीर्वाद सच नहीं होगा काका, मैं तो बच्चे को जन्म देकर मरने वाली हूँ। माँ जी, ये पैसे तुम्हें नहीं भेजे गए, मुझे भेजे गए हैं, तुम्हें खुश रखने के लिए, समझी? अब ये मूर्ति बनी क्या खड़ी हो? घर का काम काज करो, चूल्हा नहीं जला है सुबह से, जाओ जाकर चूल्हा जलाओ। हाय राम, मुझे तो बहुत थकान हो रही है। वैसे भी वैद्य जी ने मुझे आराम करने को कहा है तो मैं आराम करती हूँ। हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम। सासू माँ दीदी के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं?
दीदी तो उनकी किसी बात का भी कभी जवाब नहीं देती, ना कभी ऊंची आवाज में बोलती हैं। और ये बीमारी क्या है सासू माँ को? मालिक के घर में देर है, अंधेर नहीं। ए इंसान, इस सच्चाई को जान ले। कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार मत कर, किसी की बुराई मत कर, किसी के बारे में बुरा मत सोच। छोड़ दे बुरे कर्म करना, वरना हश्र अच्छा नहीं होगा तुम्हारा। तू नहीं जानता तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा मालिक के पास बन गया है, अब तुम्हारा हिसाब होगा। मालिक का एक ही न्याय है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। सावधान सावधान है इंसान, सावधान। माँ को दिल की बीमारी है, वैद्य जी ने कहा है माँ कुछ ही दिनों की मेहमान है। उन्होंने कहा है माँ की हर इच्छा पूरी करोगे तो उनकी तकलीफ कुछ कम हो सकती है। मुझे सासू माँ की बीमारी की पूरी जानकारी हासिल करनी होगी। अन्याय, अनाचार और अत्याचार की भी एक सीमा होती है महालसपति। जब इस सीमा का उल्लंघन होता है तो अन्यायी, अनाचारी और अत्याचारी इंसानों का दमन किया जाता है और उन्हें सजा मिलती है। ये मालिक का दस्तूर है। भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल के 100 अपराध पूरे होने तक का इंतजार किया था साईनाथ। वही तो मैं कहना चाहता हूं, भगवान भी ऐसे लोगों को मौका देते हैं सुधरने का, अपने आप में तब्दीलियां लाने का, ताकि अपने किए पर पछताकर वो मालिक की शरण में जाए। आप नाना साहेब चांडोलकर की बेटी मैना दीदी के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं साईनाथ? सबका मालिक एक। वैद्य काका जल्दी चलिए, शायद सासू माँ को दिल का दौरा पड़ा है। दिल का दौरा? क्यों, आप ही ने इनसे कहा था ना कि अगर हम सासू माँ की मर्जी के खिलाफ गए तो सासू माँ को दिल का दौरा पड़ सकता है। परेशान मत हो बहू, मैं ये दवा बनाकर तुम्हारे घर लाता हूँ और तुम्हारी सास का इलाज कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले उनको कुछ हो गया तो? जरूर दुर्गा नाटक कर रही होगी। लगता है आपको सासू माँ के दिल पे बहुत भरोसा है। कहीं सासू माँ का दिल का दौरा और उनकी बीमारी कोई नाटक तो नहीं? क्या बात कर रही हो तुम बहू, ना? मैं सच बोल रही हूँ वैद्य काका, क्योंकि मैं सब कुछ जान गई हूँ। ना वो दिल की मरीज है और ना ही कभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। वैद्य काका,
आपके झूठ बोलने की वजह से मैना दीदी को दुख सहना पड़ता है। सासू माँ दीदी को बहुत सताती हैं। दीदी? हाँ वैद काका, मैना दीदी मेरी सौतन नहीं है, मैं उन्हें अपनी बहन मानती हूँ, और उन पर कोई अन्याय हो वो मैं देख नहीं सकती। अब आप सच सच बताएंगे या फिर मैं सरपंच जी को बोल के पंचायत बुलवाऊं और फिर उनके सामने? नहीं नहीं बेटी, मैं बताता हूँ, सब सच सच बताता हूँ। तुम्हारी सासू माँ को कोई बीमारी नहीं है, वो तो बीमारी का नाटक कर रही थी ताकि रमाकांत तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। उसका नाटक तो अभी भी जारी है। हाँ, सारी बात समझ में आ गई। अब मैं भी इनको एक नाटक करने के लिए भेजती हूँ। अब मुझे भी एक नाटक करना पड़ेगा। नाटक कोई भी हो महासापति, पर्दा तो हर नाटक पर पड़ता ही है। झूठ तब तक लोगों को फंसाता रहता है जब तक सच सामने नहीं आता, और जब सच सामने आता है तो झूठ की पोल खुल जाती है। आइए आइए वैद जी, देखिए। अच्छा हुआ वैद जी आप जल्दी आ गए। देखिए ना, मेरे फूल जैसी बहू को क्या हो गया है। ये सब अशुभ बातें मेरी इस मनहूस बहू की वजह से हो रही हैं। वैद काका, कमला ठीक है ना? वैद जी, आपने रमाकांत की बात का जवाब नहीं दिया। मेरे जवाब देने से क्या दुल्हन का रक्तचाप कम हो जाएगा? रक्तचाप बहुत बढ़ गया है, नब्ज तो इतनी तेज चल रही है कि धक्के मार रही है। रक्तचाप और बढ़ गया तो अब तो दुल्हन को भगवान ही बचाए। हाय राम। वैद काका, कोई उपाय, कोई दवा? आराम, सिर्फ आराम। बड़ी बहू, तू समझ गई ना? दवा तो मैंने दिला ही दी है, लेकिन दुल्हन को कोई मानसिक तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जरा सा भी नहीं, क्योंकि किसी भी तरह का तनाव दुल्हन के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अच्छा, मैं चलता हूं। वैद काका, अब कौन सा नाटक करने के लिए कह रही हो मुझे? अब आप आ ही गए हैं तो जरा माँ जी की तरफ भी ध्यान दीजिए। जैसा बताया है वैसा करने में ही आपकी भलाई है वैद काका। माँ जी आप लेट जाइए, लेटिए माँ जी। देखा कितनी चिंता है छोटी बहू को मेरी, और एक ये है मनहूस कहीं की। रमाकांत, दुर्गा बिल्कुल ठीक है, अब तुम्हारी माँ को कोई भी खतरा नहीं है, अब तुम्हें लेटे रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कहीं भी आ जा सकती हो, घर का काम काज भी कर सकती हो। मुझे अब जल्दी से यहां से निकल जाना चाहिए, वरना दुल्हन मुझे कोई और नाटक करने के लिए मजबूर कर देगी। माँ, अब तुम बीमार नहीं हो, तुम्हें खुशी नहीं हुई है जानकर? मैं बहुत खुश हूँ। ये तो शुरुआत है माँ जी। आ
आम की खुशबू तो बहुत अच्छी है माँ जी, लेकिन पैसे बहुत मांगता है ये आम वाला। माँ जी पैसे कहाँ हमारी जेब से जाने वाले हैं, मैना दीदी के मायके से जो पैसे आते हैं उन्हीं में से। ये ले पकड़। मगर माँ जी अब इससे आगे कुछ मत बोलना, ये तो मैं एक भी पैसा नहीं दूंगी। और चल उठ निकल ले। जी माँ जी इनमें से एक आम हम भगवान को प्रसाद में चढ़ा देते हैं और एक आम मैना दीदी को दे देते हैं। क्यों, उस मनहूस को आम किस लिए? अरे कौन सा आम खाकर उसकी मौत टल जाने वाली है। इसीलिए तो दीदी को आम खिलाना चाहती हूँ माँ जी, मरने जो वाली है कहीं उसके दिल में आम खाने की चाहत रह गई तो वो मरने के बाद भूत बनकर आएगी और हमें कभी आम नहीं खाने देगी। ठीक है ठीक है, जा जल्दी से उसे आम दे दे। जी माँ जी। मेरा आम खाने को मन चाह रहा था इसीलिए तुमने आम खरीदे ना। हाँ दीदी, कहते हैं कि जो स्त्री माँ बनने वाली हो उसकी हर इच्छा को पूरी करनी चाहिए, नहीं तो होने वाला बच्चा लालची पैदा होता है। नहीं दीदी नहीं, अब आपके रोने के दिन खत्म हुए, अब तो आपको बस हंसना ही हंसना है ताकि हमारा होने वाला बच्चा हमेशा हंसता रहे। तुम मुझसे छोटी हो बहन, लेकिन बड़ी बहन की तरह मेरी देखभाल करती हो। जरूर जरूर तुम्हें साईं बाबा ने भेजा है मेरी रक्षा करने के लिए। जय साईं बाबा। बहन मैं पहला आम साईं बाबा को अर्पण करना चाहती हूँ क्योंकि उन्हें अर्पण किए बगैर मैं कुछ नहीं खाती। भिक्षाम देहि। जीती रहो बेटी, सदा सुखी रहो। मुझे अपने भक्तों की सदा चिंता रहती है, उनकी भलाई के लिए उनकी रक्षा के लिए मैं किसी भी रूप में उनके पास पहुंच जाता हूं। जो मुझे अर्पित किए बिना कुछ नहीं खाता उसके उद्धार के लिए मैं बेचैन रहता हूं। जो मेरी भक्ति करता है जिसे मेरे बिना सारा संसार सूना लगता है, जो हर पल हर समय मेरा ही गुणगान करता रहता है उसको मैं ताप शाप पाप से मुक्ति देता हूं। बेचारी सासू माँ, ये दिन उस वैद्य की वजह से देखने पड़ रहे हैं। मेरी वजह से? मैंने ऐसा क्या कर दिया दुर्गा बहन? अरे मैं तो इधर से गुजर रहा था, सोचा तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। ये सब जो हुआ है ना ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्ही ने तो किया है मेरा ये सारा हाल। अरे ये क्या कर रही है दुर्गा बहन?
अरे दुर्गा बहन, ये क्या कर रही हो? दुर्गा बहन देखो, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। देखो देखो, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ, ये देखो। तुम मुझे दवा दोगे? मैं देती हूँ तुम्हें ऐसी दवा जिससे तुम किसी को दवा देने के लायक ही नहीं रहोगे। अरे दुर्गा बहन सुनो तो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है। कसूर कैसे नहीं है तुम्हारा? हाँ, पूरे 25 रुपए लिए थे तुमने मुझसे, ये कहने के लिए कि मैं बीमार हूँ। फिर मैं कैसे ठीक हो गई? बोलो बोलो। तुम्हारी बहू कमला ने धमकाया था मुझे दुर्गा, कमला ने। कमला ने? हाँ, इसीलिए मुझे सच्चाई बतानी पड़ी कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बीमार नहीं हो। और ये दूसरा झूठ बोलना पड़ा कि तुम्हारी बहू बीमार है। तो मतलब ये सारा किया धरा उस कमला का है? हाँ हाँ, उसी कमला की वजह से है दुर्गा बहन, उसी कमला की वजह से है ये सारा ढोंग, ये ड्रामा कमला का है। छोटी बहू। सासुमा, इतनी जल्दी घर का कामकाज खत्म कर दिया? वो तो करना ही था, लेकिन तुम क्या कर रही हो? वो मैं बीमार पड़ी हो। क्या बीमारी है तुम्हें? नींद की? हाँ, देखिए ना सासुमा, ये वैद काका की दवाइयों से ना नींद बहुत आती है। अब नहीं आएगी। तुम मुझे जानती नहीं है मनहूस? बस और नहीं, अब अगर मुझ पर हाथ उठाया तो तोड़ के रख दूंगी आपका हाथ। मुझ में अच्छे संस्कार न होते और आपकी उम्र का लिहाज न होता तो जो थप्पड़ आपने मुझे मारे हैं उनका जवाब मैं थप्पड़ों से ही देती। आपने हमें समझ क्या रखा है? बहुएं हैं हम, नौकरानियां नहीं। मुंह मांगा दहेज दिया है हमारे माँ बाप ने, किस लिए? आपकी थप्पड़ खाने के लिए या फिर दिन रात आपकी बातें सुनने के लिए? दहेज मुफ्त में नहीं दिया, इस उम्मीद से दिया है कि हम यहाँ सुख शांति से रहें। और आप तो हर पल हमारा सुख, हमारी शांति छीनती है हमसे। मैं नरक में रहने नहीं आई हूँ, मैं आपको दीमक बनके हमारी जिंदगी चाटने नहीं दूंगी। आप ये कैसे भूल गई कि एक दिन आप भी बहू बनकर इस घर में आई थी? क्या आपकी सासू माँ भी आपके साथ ऐसा व्यवहार करती थी जैसा आप हमारे साथ करती हैं? अगर करती थी तो आपने बर्दाश्त कर लिया होगा, लेकिन मैं नहीं करूंगी और ना ही दीदी करेंगी। समझ गई बात को या फिर समझाऊं? नहीं, समझ गई, मैं समझ गई। रुक जाओ दीदी। कुछ भी हो बहन, सासू माँ हमारी माँ सम्मान है। जानती हूँ दीदी और मानती भी हूँ, लेकिन बीमारी को ठीक करने के लिए बीमार को कड़वी दवा पिलानी पड़ती है। कड़वी दवा। अब चिंता मत कीजिए दीदी, सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगी, सब ठीक हो जाएगा।